बिस्मिल्ल रक्मर रही वी आर डूइंग एडवांस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जिसमें हमारा टॉपिक हम जो चल रहे हैं दैट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वी नो विच कैन बी कन्वर्टेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड वैल्यू एंड डिस्काउंट रेट इज सेम एज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड कि डिस्काउंट रेट का और उसकी जो प्राइस है वो एक रिलेशनशिप एक इनवर्स है द लोअर द डिस्काउंट रेट द हायर द वैल्यू बॉन्ड एंड वाइस वर्सा कि अगर आप हायर डिस्काउंट रेट पे वैल्यू करेंगे तो वो कम आएगी लोअर डिस्काउंट रेट एबिलिटी टू कन्वर्ट इट इंटू स्टॉक उनकी एक एबिलिटी है और इसको हम कई दफा इक्विटी पार्टिसिपेशन फीचर भी कहते हैं कि आप इक्विटी में जा सकते हैं तो ये एक चॉइस आपके पास मिल जाती है दे आर मल्टीपल मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कन्वर्टेबल अमाउंट वैल्यूएशन के डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं लेकिन लॉजिक जो है वो मेन सेम रहता है तो दे आर मैनी टाइप डिफिकल्ट क्वेश्चन माइड बी टू हाउ डू वैल्यू द कन्वर्जन प्रीमियम के कन्वर्जन को जो पार्ट है उसको कैसे हमने कैप्चर करना है ताकि वो उसकी जो कॉल या पुट का जो एलिमेंट है वो उसमें आप कैसे एड ऑन करते हैं इन्वेस्टे माइड वॉन्ट टू एंटीसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक प्राइसिस एंड हाउ दैट कोड चेंज द कन्वर्टेबल वैल्यू इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं वो बॉन्ड्स पे तो इम्पैक्ट करते हैं वो स्टॉक पर कैसे इम्पैक्ट करेंगे फिर उसका हमारी कन्वर्जन फीचर पर कैसे इम्पैक्ट आएगा तो ये एक थोड़ा सा ज़रा ट्राइका बन जाता है जिसको हमने स्पेसिफिकली देखना होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट वैल्यूएशन मैथड एज वी है मैनी मैथड जो उसमें सबसे कॉमन और सिम्पल है वो क्या है कि आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है तो उसके दो कॉम्पोनेंट बना लें पहला क्या है एक सिंपल बॉन्ड ले लें इंडिपेंडेंट स्ट्रेट बॉन्ड प्लस इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन तो दोनों को ले लेकर ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपकी कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यूएशन आ जाएगी कन्वर्टेबल बॉन्ड का जो हमारा पार्ट ये दिस इज वन मैथड दे आर मैनी अदर मैथड एज वेल बट दिस इज सिंपल एंड लॉजिकल मैथड यूज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर सम वट Less risk than bond. ये बड़ी हमने एक स्ट्रेंज बात कर ली क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं है, फीचर्स हैं कैसे हो जाते हैं वैल्यू ऑफ डेट इंटरेस्ट रेट आपके जब बढ़ते हैं उसे डेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है लेकिन कन्वर्जन की वैल्यू जो है वो बेहतर हो जाती तो वो एक थोड़ा सा ये ऑफसेटिंग सिचुएशन आपको दे देते हैं तो ये एक हमारे लिए बेहतर मामला आ जाता है ये अगर आप देखें डायग्राम कि कन्वर्टेबल बॉन्ड हमारा है कन्वर्जन वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली जैसे शेयर की प्राइस बढ़ रही है कन्वर्जन वैल्यू बढ़ रही है तो इसी तरह वो कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू को भी वो हमें एक राइज दे देता है जब स्टॉक की प्राइस बढ़ रही होती है यू कैन सी दिस रिफ्लेक्टिव ऑफ मेकिंग बेनिफिशियल इन टर्म्स की रिस्क सिचुएशन को हमारी ये कैप्चर कर रहा होता है प्रोज ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड इन्वेस्टर रिसीव फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट बॉन्ड है तो फिक्स इंटरेस्ट को जो है आपको मिलेंगे तो आप सिंपल उसमें एडवांटेज आ जाएगा एंड बेनिफिट फ्रॉम स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो कन्वर्जन वैल्यू भी बढ़ेगी तो उसका भी हमें एडवांटेज आ जाएगा इन्वेस्टर गेट सम डिफॉल्ट रिस्क सिक्योरिटी सिंस बॉन्ड्स आर पेड बिफोर स्टॉक अब बॉन्ड होल्डर को तो पेमेंट पहले होती है शेयर होल्डर्स को बाद में होती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट तो इनकी थोड़ी उस तरह की भी कवरेज मिल गई कंपनी बेनिफिट बाय रेजिंग कैपिटल विदाउट इमिजिएटली डायल्यूटिंग शेयर कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ शेयर नहीं इशू किए और पैसे मिल गए यानी कि डायल्यूशन इम्पैक्ट नहीं आया कंपनीज में पे लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन देयर डेट अगर आम बॉन्ड इशू करते तो हमें शायद ज़्यादा यील्ड देनी पड़ती कोपॉम देना पड़ता कन्वर्जन की वजह से हमें थोड़ा कम को कुपॉन्न देना तो ये कंपनी को भी फायदा इसका हो गया कॉन्स ऑफ ड्यू टू ऑप्शन टू कन्वर्ट इन टू स्टॉक दे ऑफर अ लोअर कुपॉन रेट एट द सेम टाइम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कुपॉन रेट फिर नॉर्मली कम मिलेगा क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर तो कैश फ्लो में अभी थोड़ी सी डेंट पड़ेगा इशू कंपनीज विद लिटल और नो अर्निंग क्रिएट एडिशनल रिस्क ऑफ कन्वर्टेबल अगर एक नई कंपनी है उसमें एक रिस्क उन्होंने ज़्यादा ऐड ऑन कर लिया अपने ऊपर कि तो ये कन्वर्जन की ऑप्शन दे दी एंड लास्टली शेयर डायल्यूशन आ जाती है वो एक इम्पैक्ट थैंक यू